हाई ऑल, हाउ आर यू? वेलकम टू माई चैनल रोजा विद फैमिली व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब बहुत बढ़िया हैं एंड यकीन है कि आप सब जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर दी तो सबको गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे, नाइस डे। तो कैसे है सब बताइएगा, बार बार पूछ रही हूँ। पहले हालत पूछे, फिर और जो भी है पूछना चाहिए, और कुछ नहीं है। सुबह सुबह ब्लॉगिंग तो शुरू कर दी, आज छत पर आई थी तो सोचा यहीं से ब्लॉगिंग शुरू कर दूँ। छत पर देखिए बहुत सारा कपड़ा था सुखाने के लिए, तो वो सब लेके आई थी सुखाने के लिए। देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बच्चों का कपड़ा होता है, तो इसलिए लेके चली आई थी सुखाने के लिए, और बच्चों को भी साथ में लेके आई थी। ये थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और जो सनबाथ लेंगे, क्योंकि विंटर का सीज़न है, सीज़न में बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं। कभी कभी ठंड लग जाती है, कभी कभी बुखार आ जाती है बच्चों को, तो इसी सीज़न में ना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। तो ये सोचकर छत पर आई थी कि कपड़ा भी सुखा लूँगी और वीडियो भी बना लूँगी और बच्चों का सनबाथ भी हो जाएगा। एक ही जगह पर चार चार फायदा है, चार चार काम हो जाएगा, ये सोचकर आई थी। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू कर दी। नीचे जाके किचन में क्या क्या बनाऊंगी, क्या क्या शेयर करूंगी आप सबके साथ, आगे देखते रहिए और वीडियो को फुल्ली देखिए, फुल्ली एंजॉय कीजिए वीडियो को। और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए, बेल बटन पर दबाकर। एंड वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सुंदर सुंदर कमेंट कर दीजिए एंड फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर लीजिए। एंड एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो फिर कुछ आगे 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 बहुत आगे जाएंगे। बस इतनी बात है, इतना मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ तो आप सबका फर्ज भी बनता है, एक एक लाइक देना, शेयर करना, वीडियो को फुल्ली देखना। बस इतनी ही सपोर्ट कर दीजिए, जितना भी फ्रेंड्स मेरे भाई बहन, मेरा दूसरी फैमिली वाइटी फैमिली, पहले तो मेरा फैमिली है और ये मेरा दूसरी फैमिली है, ये मैं मान चुकी हूँ कब से। और ज़्यादा कुछ बताने वाली नहीं हूँ, अभी नीचे जाने वाले हैं। तो जाने से पहले मैं थोड़ा सा हमारा छत का व्यू दिखा देती हूँ आपको। सुबह सुबह कितना फ्रेश लगता है जब हम छत पर चले आते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। तो देखिए ये हमारा छत का व्यू, तो मैं कैमरा घुमा के अभी दिखाती हूँ आप सबको। तो ये हमारा छत का बाहर का व्यू है, देखिए। जब मैं लाइव कर रही थी ना इसी इलाके में, जो कैमरा फोकस करके लाइव कर रही थी, और देखिए हर तरफ से घर है बहुत ज़्यादा। अब जो क्या नारियल का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है। अभी देखिए दिखाती हूँ, बहुत सारा कपड़ा सूखी है मेरी, कपड़ा को छोड़िए और फिर आगे देखिए, बहुत सारा यहाँ पर हमारा नारियल का पेड़ आसान से मिल जाता है। अभी सुबह का टाइम है ना, बस वगैरह आना जाना कर रहे हैं। ये रहा हमारा छत, और दिखाती हूँ। तो देखिए नारियल, हमारा यहाँ पर नारियल भी हुई है। तो देखिए रहा हमारा छत का भी, वो हमारा छत देखिए बहुत बड़ा है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है यहाँ पर। अगर हम छत पर चले आते हैं ना, ज़्यादा फ्रेश लगता है सिर्फ और सिर्फ इसी पेड़ों की वजह से। तो देखिए, और जो सुबह सुबह पक्षियों का चिंगारी होता है ना, बहुत स्वीट सा चिंगारी होता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह नींद खुलता है तो यह सब फ्रेशनेस मिलता है हमें। तो चलिए हम अब नीचे जाएंगे, अभी कपड़ा को सूखने देंगे फिर नीचे जाएंगे। शाम को फिर से आना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा वगैरह लेनी है। अभी हम नीचे किचन में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, नीचे आकर बहुत सारा काम कर ली मैंने, पराठा बना ली, और पराठा के बाद देखिए इतना सारा फिश आया था, इसको ड्रेसिंग करके फिर से हल्दी पाउडर, नमक मैरिनेट करके देखिए तेल बैठा लिया था, सरसों का तेल में फिश फ्राई कर रही हूँ। जो भी नॉनवेज बना रहे हैं सबको सजेस्ट करूँगी कि सरसों के तेल में ही बनाइए। और देखिए फिश फ्राई के बाद, फिश फ्राई करते करते मैं पराठा भी बना लूँगी, मतलब कि पराठा बैठ चुकी हूँ, बनाई नहीं। तो सुबह का टाइम ब्रेकफास्ट में पराठा और चने दाल का सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन ये बनाना पड़ा, मतलब कि फिश आ गया तो बनाना पड़ा। फिश फ्राई करते करते मैं पराठा बना लूँगी।
और पराठे के लिए यहाँ पर तवा बैठा लिया। तवा हमारा गर्म हो चुकी है। अभी लो मीडियम फ्लेम में ही हम पराठा बनाएंगे। पराठे के साथ साथ फिश का करी भी बन जाएगी और चावल बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी। तो देखिए पराठा कितना सुंदर फूल रही है हमारा। तो अच्छे से अगर पराठा हम बेलेंगे और जो आटे को भुनेंगे तो बहुत टेस्टी होगा पराठा और बहुत नरम होगा, बहुत बढ़िया फूलेगा भी। तो बात करते करते मेरा फिश फ्राई लगभग हो चुकी है, पराठा भी हो चुकी है। देखिए पराठा इतना सारा बन गई, बहुत डिलीशियस दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है। तो अभी मैं मसाला बनाऊंगी। मसाला के देखिए थोड़ा सा लहसुन और 1 इंच का अदरक और 3 मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ। इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद देखिए फिश फ्राई हमारा हो चुकी है। अभी हमारा जो तेल में हम फिश फ्राई कर रहे थे उसी ऑयल में हम सब्जी बनाएंगे, फिश का करी बनाएंगे। तो देखिए मसाला ग्राइंड करने के बाद प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। हमारा जो तेल में थोड़ा सा जो मिर्ची का पाउडर दिया था कलर के लिए, और अभी चावल भी बैठा लिया, पानी गर्म हो चुकी है। यहाँ पर चावल डाल रही हूँ, चावल के साथ फिश करी बना लूँगी, फिर दाल बनाऊँगी, फिर उसके बाद हम लंच करेंगे। ब्रेकफास्ट में पराठा के साथ चाशनी और कुछ मिठाई था उसको खा लिया, छेना और चाशनी और मिठाई। तो अभी देखिए मसाला हमारा हो चुकी है, 7-8 मिनट बाद मसाला को अच्छे से पका लिया। अभी हम टमाटर देंगे, एक मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़ा सा नमक। टमाटर जल्दी हो जाने के लिए मीडियम नमक देते हैं हम यहाँ पर। तो इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम मसाला के अंदर ही मिलाएंगे, और इसको मिलने के बाद पाउडर मसाला डालेंगे। अभी टमाटर हमारा पक चुकी है, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, पाउडर मसाला डालेंगे। पाउडर मसाला के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, और देखिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, एंड हमारा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून दे रही है, और चिकन मसाला 1 टीस्पून दे रही है। अगर फिश मसाला अवेलेबल होगा तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर करी पाउडर एंड जो गरम मसाला दे दिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, करी पाउडर 1/2 टीस्पून, इसको अच्छे से मिला लूँगी 2-3 मिनट के लिए। और 2-3 मिनट होने के बाद हम यहाँ पर आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए जो आलू को बॉईल होने देंगे। कच्ची आलू यहाँ पर डाली हूँ, गैस को फ्लेम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। ये जो बर्तन है इसमें नहीं होगा, मतलब कि पानी देने से फूल हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा हरी मिर्ची दे दिया, 4-5 हरी मिर्ची। फिर बड़ा सा एक बर्तन को इसको मसाला को बाहर कर लेंगे और वहाँ पर पानी देके आलू को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए बड़ा सा बर्तन में मैं दे दिया और आलू को छोड़ दिया। बॉयल होने के लिए इसको ना 15 मिनट के लिए ढक्कन में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इस पर हम फिश को डालेंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुकी है, आलू हमारा अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अभी हम फिश डाल रहे हैं, कुछ टाइम के बाद 3-4 मिनट के बाद खाना रेडी हो जाएगा और हम खाएँगे। तो ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बाद कुछ टाइम रेस्ट करके फिर आपके साथ मिलती हूँ। कैसे लगा फिश का करी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और आप सब कैसे बनाते हैं ये भी बताना। हाय फ्रेंड्स, सबको गुड इवनिंग। बहुत टाइम के बाद बात कर रही हूँ, क्या करूँगी, बच्ची का तबीयत ठीक नहीं है, बेटा का भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ठंड है, इसको बुखार है, और किसको वोमिटिंग है, ये सब हो रही है मेरे साथ। तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, उसी के अंदर अंदर ही वीडियो बनाती हूँ। तो दोपहर में क्या क्या बनाई थी तो आपको दिखाई थी। दोपहर के खाने के बाद हम सब थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर उसके बाद छत पर गए, छत से बहुत सारा कपड़ा था, कपड़ा वगैरह लेके आए। फिर उसके बाद वही काम चल रही थी। तो वीडियो शूट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब कि कैमरा को फोकस करके काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो बनाई नहीं थी। अभी शाम हो चुकी है, शाम क्या 8 बजने वाली है, अभी रात होने वाला है। तो आज डिनर में कुछ नहीं बनेगी, मतलब कि बिरयानी के साथ साथ चाउमीन लाए हैं, बाहर मंगवा दिया खाना, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों ने बहुत तंग करते हैं। जब भी बच्चों का तबीयत ख़राब होता है ये दोनों बहुत तंग करते हैं, इसलिए बाहर का खाना आज चल जाएगी। चलिए हम खाना खाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना मैं सर्व कर चुकी हूँ, बिरयानी के साथ जो हमारा रायता, और फिर देखिए ये हमारा
चाउमीन। तो इतनी ही है, अब हम खाने लगे हैं। बच्चों और मैं तीनों ने बहुत ज़्यादा खाना है, पता नहीं कितना खाएंगे। तो दोनों मिलके खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। और आज ज़्यादा कुछ शेयर कर नहीं पाई, क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में। आप सब समझ सकते हैं, आप सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सबका घर में बच्चे होते हैं तो सबको पता ही है कितना जो प्रॉब्लम होता है काम करने में, कितना दिक्कत होता है अकेली रहकर वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, फिर घर का काम देखना, बच्चों को संभालना, सब कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। चलिए खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। शो फ्रेंड्स, अभी डिनर के बाद हम चले आए सब सोने के लिए। अभी सोना है, बहुत नींद भी है, थकान भी होती है, कुछ रेस्ट करनी है सुबह तक। पता नहीं आज रेस्ट कर पाऊँगी या नहीं। आंखों को देखिए बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए, रात को 3 दिन से सोया नहीं था ये दोनों की वजह से। अभी वीडियो एंड करने वाली हूँ। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले एक सुंदर सा वीडियो के साथ, एक सुंदर सा मॉर्निंग के साथ। तब तक इसी वीडियो को एंजॉय करते रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, सबको रिक्वेस्ट है। तो जय जगन्नाथ, गुड नाइट एंड सबको स्वीट ड्रीम, आई लव यू, टाटा, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट। दो दो प्यार, दो प्यार, दो। मेरे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दे दिया, दे दिए आप सबको, तो उनको आशीर्वाद कीजिए, जैसे कि वो दोनों बहुत 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 जल्दी पाठ पढ़ के बड़े हो जाएं, फिर मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए। तो दोनों को नींद आ गई है, चलो मैं सुला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। टेक केयर, टाटा, टाटा।